तो की हाल चाल अतरंगी हो। तो आज मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। अभी बस रात के 12 बजे में वीडियो बनाना शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है तो अभी वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल देखा है तो मेरे हाथ में तो नहीं है, बट मैं इसका बहुत कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत देखा हूँ इसको। तो बेसिकली एक पॉकेट पीसी आ चुका है हमारे पास। बताओ यार, पॉकेट पीसी जिसका प्राइस अप्रॉक्स 15,000 आसपास है अभी। हाँ, 15,000 आसपास। मैं बाई लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाई भी कर सकते हो आप। तो इसमें जो मेनली ये काम करता है, मैं इधर लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो मेनली ये काम करता है आपका HDMI के थ्रू। तो अगर आपके पास HDMI वाला कोई मॉनिटर है या फिर आपके पास TV है जिसमें HDMI पोर्ट है, अभी तक जो भी LED TVs आया है सब में HDMI पोर्ट आ चुका है। सेकेंड थिंग कि आपको डेस्कटॉप लेने का, अगर आपको थोड़ा बहुत काम है, ऑफिस का काम है, कुछ काम है, तो आपको PC लेने का जरूरत नहीं है। आप एक पॉकेट वाला PC ले लो, पॉकेट में रखो, जहाँ मौका मिले TV में घुसेरो और यूज करो। तो ऐसे कुछ डिज़ाइन निकाला है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा मतलब OP लगा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा OP लगा है ये। क्योंकि इसमें जो है बेसिकली, मैं आपको पिक्स भी आगे दिखाऊंगा सारा कुछ। तो इसमें बेसिकली क्या है कि HDMI के थ्रू काम करता है, इसमें एक पावर भी जाता है जो कि पावर एडाप्टर भी आपको साथ में मिल जाएगा। एंड ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट TV के साथ HDMI पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है। और मैंने इसका अनबॉक्सिंग देख रखा है, तो इसमें आपको बेसिकली एक HDMI का केबल मिलेगा जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। कि अगर मान लो इसको कहीं दूर रखना है फिर TV में लगाना है, तो आपको एक वायर भी मिल जाएगा HDMI वाला, बाकी उसको आप डायरेक्ट TV में भी प्लग इन कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ एक होल्डर भी आएगा जो TV पे चिपक जाएगा, और होल्डर पे ये आएगा, फिर एक वायर लगाओ जो इसमें HDMI का एक्सटेंशन वायर देगा, इसमें लगाओ, TV में लगाओ, इसमें पावर केबल लगाओ, मतलब पावर एडाप्टर जिसमें आता है साथ में वो लगाओ और यूज़ करो। और बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो ये आपके पास इसका डिज़ाइन, और TV में लगने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। एंड ये इसका पावर स्विच है, और इसका ऐसे कुछ डिज़ाइन आपका है, साइड का कुछ होल्स दिख रहा है बेसिकली। मे बी ये इसमें फ़ैन होगा जो कि CPU को ठंडा रखने के लिए होगा, इसमें जो फैन है। एंड फिर इसमें आपको इनबिल्ट, इसमें जो जो आपको ग्राफिक्स है, मतलब जो आपको आउटपुट आएगा स्क्रीन पे वो HD में है, मतलब इतना छोटा सा डिवाइस में HD में 1080p में जो है आपको वो मिलेगा आउटपुट देखने को। साथ में इसमें प्रोसेसर, वो मैं बताऊंगा आगे प्रोसेसर कौन सी है। इसमें विंडोज 10 और अदर भी चॉइसेस है, विंडोज 10 होम ऐसे आता है बट अदर भी चॉइसेस इसमें है। फिर इसमें आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, दो इसमें जो USB का है सपोर्ट, एक 3.0 और एक और USB नॉर्मल USB है। एंड इसमें 4.1 का ब्लूटूथ का सपोर्ट है। फिर इसमें आप हेडफोन लगा सकते हो, 3.5 mm का जैक भी है, और एक साल के लिए 100 GB, मतलब 1 TB आपको क्लाउड का स्टोरेज फ्री मिल रहा है एक साल के लिए। एंड और मैं इस पर जाता हूँ आगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपके साथ। अगर आप मॉनिटर या किसी भी TV में लगाते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आपको माउंट करने के लिए एक चीज़ आपको मिल चुका है। इसमें आपका ये आ जाएगा आपका PC, मतलब जो मिनी PC पॉकेट PC, इसके साथ एक जो HDMI केबल मिलेगा आपको, एक्सटेंशन केबल वो आ जाएगा, तो वो चीज़ आप लगा सकते हो इसमें। एंड देन इसमें एक और खासियत है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, वैसे तो मैं बोलूँगा अगर आप ये चीज़ ले रहे हो तो इसके साथ एक और खर्चा करना पड़ेगा, जो वायरलेस कीबोर्ड माउस साथ में आता है, ब्लूटूथ वाला भी आता है, MI का आता है ब्लूटूथ वाला, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, या तो आप नॉर्मल ब्लूटूथ वाला भी ले सकते हो, उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। कीबोर्ड माउस दोनों आता है साथ में, तो इसमें एक USB में लगाओ, या फिर USB एक्सटेंशन भी आता है उसमें भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो USB में लगाओ और यूज करो, TV को बना दो PC या मॉनिटर बना दो PC, इतने छोटे से डिवाइस के। यार मेरे को तो यार, मैं अभी देखा ये चीज़, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा औसम लगा ये चीज़। तो ये HDMI कनेक्टर ये तो देख ही रहे हो आप। इसका जो साइज़ का बात करें, 36 mm इसका मतलब ब्रॉड है, एंड इसका लेंथ जो है वो है 135 mm, फ़ोन से भी छोटा है, और इसका जो थिकनेस है वो 16.5 mm है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट जो इसने निकाला है। और बेसिकली लास्ट में हम बात करेंगे इसमें क्या क्या है। तो ये आता है बेसिकली 2 GB रैम, 32 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज, मतलब 2 GB इसमें रैम मिलेगा आपको, और 32 GB जो इस पर जो ऑनलाइन रोम बोल लो वो स्टोरेज मिलेगा ऑन इसके अंदर ही, ठीक है। बाकी आपको क्लाउड पे 1000 GB एक साल के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है मैं बता दूँ, प्रोसेसर
अच्छा इंटेल एटम प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी है। अगर आप नॉर्मल काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, या फिर नॉर्मल ब्राउज करते हो, इस पर यूट्यूब भी चल जाएगा आपको, तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी है नॉर्मल यूज़ के लिए। साइज़ भी देख लो, छोटा सा साइज़ में इन्होंने बना दिया है इसको। तो इसमें मेनली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ फिर से। इसमें आपको मिल जाएगा एटम, इंटेल एटम प्रोसेसर मिल जाएगा, 2 GB का रैम मिल जाएगा, 32 GB स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर ही ऑन बोर्ड है। एंड USB 2.0, USB 3.0, 3.5 mm का ऑक्स जैक, तो ये सब आपको देखने मिलेगा। प्लस में 1080p का ये सपोर्ट करता है आउटपुट। तो बस यही सब था। तो अपने पास तो नहीं है, छोटा यूट्यूबर है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, तो अपन भी हाथ में रख के अनबॉक्स बॉक्स करके आप लोग को दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को देना सब्सक्राइब, और टाटा बाय बाय, सेफ रहना, हो सके तो घर से बाहर जाना, नहीं तो मत जाना, सेफ रहो कुछ दिन, और फिर कोरोना की जाए।